सो गुड मॉर्निंग एवरीबडी एंड वेलकम टू माई व्लॉग नंबर 3, जिसके अंदर आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ हाउ वी स्टडी इन मेड स्कूल। सो आज मेरा PSM का लेक्चर था, तो मैंने सोचा चलो शुरुआत अपन ना PSM के लेक्चर से आपके कर देते हैं। और जो पूरा आप देख रहे हो, ये मेरा लेक्चर हॉल है और यहाँ पे मेरा दोस्त आ चुका है रोहित जॉनसन। और यार रोहित जॉनसन ना लेक्चर शुरू होने से पहले इसने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी है, बिकॉज अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोग ना इस समय रैपिड रिवीजन ही कर रहे हैं, सब लोग ना अपना रिवीजन ही निपटा रहे हैं, क्योंकि अभी एक ही हफ्ते बाद हमारे पी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। रोहित जॉनसन तो ज़्यादा डेडिकेटेड होकर पढ़ रहा है आज लगता है। इस सामने मेरा दोस्त श्याम सुंदर, ये भी पढ़ाई कर रहा है। हद तो जब हो गई जब आदर्श भी जो है मतलब स्नैपशॉट से पढ़ रहा है, सब यहाँ पे पढ़ रहे हैं इस समय, सिर्फ मुझे छोड़ के। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है यार, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। सो हमारे PSM के प्रोफेसर आ चुके हैं और हमारा लेक्चर हो चुका है स्टार्ट, जो कि आज है एड्स प्रिवेंशन पे। और एक घंटा भी नहीं हुआ था, पूरा लेक्चर ने खत्म कर दिया और अब चल रही अटेंडेंस। बस यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जॉनी यार अभी भी अपना ही पढ़ रहा है, उसको रिविजन करना है। सो सब लोग चले जाते हैं लेक्चर में, बट कुछ लोग ना यहाँ पे अभी बैठे रहते हैं, बिकॉज माहौल अच्छा होता ना पढ़ने के लिए। जैसे आप साक्षी को देख लो, साक्षी क्या पढ़ने वाली है आज तू? ENT में CSOM स्टार्ट। चलो लगे रहो। सो यार यहाँ से जाना ही अच्छा रहेगा, बिकॉज सब यहाँ पे पढ़ ही रहे हैं। लेक्चर खत्म करने के बाद अब जा रहे हैं जॉनी के रूम में बैठेंगे हॉस्टल में। तो ये जो सामने देख रहे हो, ये मेरी सेंट्रल लाइब्रेरी और पूरी पार्किंग। और यार आज का दिन कुछ इतना भी ख़राब नहीं रहा उसका दिन। सो ये रही मेरी बाइक और हम स्पीड में चलते हैं अब जॉनी के रूम में। और अब यहाँ पे हॉस्टल की देखो लिफ्ट कितनी ज़्यादा अच्छी हो रही है। करते क्या हो तुम ऐसा इस पर? अभी चालू हुई है दोनों मिलकर आज हम भाई PSM देखने वाले हैं। और मेनली हमें ना रैपिड रिवीजन करना है, तो हम प्रेप यूज नोट्स यूज करने वाले हैं रैपिड रिवीजन के लिए। और उसी के साथ हम देखने वाले हैं लेक्चर भी। और देखो मेरे अगर एग्जाम वगैरह आने वाले ना, तो तुम ज़्यादा ज़्यादा ट्राई करा करो कि ना रिवीजन पे फोकस करो। उसके लिए मतलब जो छोटी छोटी रिवीजन वीडियो होती है ना, रैपिड रिवीजन हुआ या कोई भी सीरीज आप बाय कर सकते हो, उससे क्या होता है ना बहुत जल्दी आप रिवीजन कर सकते हो, कंसाइज आपको नोट्स मिल जाते हैं, मतलब बेस्ट नोट्स हैं। और रोहित ऐसा काम कर, तू ये वाली से ना PSM निपटा दें, बिकॉज तूने एपिडेमोलॉजी नहीं देखा, मेरा एपिडेमोलॉजी देखा हुआ है। मैं अब तक ना ENT देख लेता हूँ और फिर अपना साथ में बैठ के MCQ सॉल्व कर लेंगे, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये अभी अभी मैं ENT कर लेता हूँ, तू PSM आराम से कर ले। और मैं देखो इसमें ओपन करके दे देता हूँ, देख यहाँ पे इसमें जा, इसमें नीचे की तरफ जो है देखो रैपिड रिवीजन मिलेगा। और इसी खास बात मैं आप सबको बताता हूँ जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, इसके अंदर क्या ना बहुत ही ज़्यादा आप ईजिली वे में अपने सारे कंसेप्ट वगैरह रिवाइज़ कर सकते हो, क्योंकि ये ना रैपिड रिवीजन है, इसमें आप ना बहुत जल्दी सारी चीज़ें रिवाइज़ कर सकते हो। और सिमिलरली इसके जो है नोट्स भी हैं, तो देखो ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। सो एक काम कर, ये जो एक टॉपिक है ना एपिडेमोलॉजी, ये एक टॉपिक एपिडेमोलॉजी तो निपटा ले, फिर साथ में बैठ के इसके ना अपन MCQ सॉल्व कर लेंगे, तेरा भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, मैं भी कर लूँगा आराम से ना। ठीक, जब तक भाई अपन करते हैं इसमें, पढ़ लेते हैं इससे ENT। तो मुझे यार स्टार्टिंग से ही पढ़ना है आज, तो बहुत ज़्यादा ही लोड हो जाएगा। ये तो लग गया इसके काम पे, बढ़िया। चलो भाई तुम तो लगे रहो बाबा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो यार एक घंटा हो गया पढ़ते पढ़ते, मैं थक गया। जॉनी अभी भी लगा हुआ है। जॉनी खत्म नहीं हुआ तेरा अभी तक टॉपिक यार? बस भाई होने वाला है। चलो यार जॉनी का फटाफट एक टॉपिक खत्म हो जाए, तो स्टार्टिंग हम लोग MCQ सॉल्व करें, बिकॉज हमें MCQ सॉल्व करना है एपिडेमियोलॉजी के। और फिर आराम से बैठ के एक दो ENT के टॉपिक कंप्लीट करेंगे, और इतने में ना आज का जो गोल था ना स्टडी गोल वो कंप्लीट हो जाएगा। खत्म हो गया मेरा एपिडेमियोलॉजी, अपन MCQ करते हैं। चलो डन, MCQ करते हैं। और यहाँ मेरा ENT भी निपटा दिया है, तो दो तीन टॉपिक ना डेली पढ़ते रहना सही रहता है। ऐसे काम कर इसके MCQ खोल ले, तो स्पीड में ना MCQ कर लेंगे अपन। बैंक में क्यों, बैंक में जाना पड़ेगा देखो। हाँ यहाँ से ना क्यों बैंक सही रहता है, पता है तुम लोग भी अगर इस तरीके से पढ़ना शुरू करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मतलब कि ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, एक आध टॉपिक मतलब अपन ने वीडियो देख लिया, वीडियो लेक्चर, देन उसी के वहीं पे नोट्स आप हाईलाइट करते जाओ, देन वहीं पे ना इसके MCQ सॉल्व करो, वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है। आप तुरंत के तुरंत सारे MCQ सॉल्व कर लो। पहले गलत हो गया था।
कोई ना, सोल्यूशन भी तो है नीचे, सोल्यूशन देख लेते हैं। सिक्स मंथ होगा ठीक है। क्या बात है जानी, दूसरा वाला सही। इस समय तुम लोग भी रिवीजन करोगे ना तो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहले देखो वीडियो देखो, देन फिर उसके नोट्स बनाओ और फिर क्यू बैंक सॉल्व करो। क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने के फायदे ही होते हैं आपके, जैसे आपने जो जो भी पढ़ा है उसके कंसेप्ट बिल्कुल आपके क्लियर हो जाएंगे। और आप मैन डिपेंड ये करता है कि आप मटेरियल क्या यूज कर रहे हैं। आप अगर ये मटेरियल अच्छा यूज करेंगे तो आपके कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर होंगे। जैसा कि हमने देखा था हमारे लेक्चर हॉल में, उस टाइम पे मैक्सिमम लोग रैपिड रिवीजन ही यूज कर रहे थे, आपने देखा था ना। बिल्कुल बिल्कुल रैपिड यूज करते हैं, बिकॉज हमारे पीओ आने वाले हैं 2 हफ्ते बाद, इसलिए अभी ये सबसे बढ़िया रहेगा, बढ़िया रहेगा। और मैं बोलूँ ना, जितना ज्यादा हो सके ना ग्रुप में स्टडी करना शुरू करो। जस्ट लाइक अभी तो हम एक्चुअली में 4 लोग हैं, लेकिन अभी वो बाकी के लोग प्रैक्टिकल वगैरह गए। देन क्या होता है ना कि 2 या 3 लोगों ग्रुप में तुम स्टडी करोगे ना, टॉपिक डिवाइड कर लो। जस्ट लाइक इसने अभी पीएसएम मैंने कल कर लिया था, तो इसने आज पीएसएम की वीडियो देख ली, मैंने आज एनटी कर लिया। तो इस तरीके से टॉपिक डिवाइड करो और लोगों को एक्सप्लेन करो। जस्ट लाइक मैंने फिर इसको एनटी एक्सप्लेन कर दिया, इसने मुझे पीएसएम एक्सप्लेन कर दिया। तो इसमें क्या होगा ना, बहुत ज्यादा ईजी वे में अपन दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ में भी आता है। तो कुछ इस तरीके से तुम लोग स्टार्ट कर दो पढ़ना। और प्री यूनिवर्सिटी सभी कॉलेज में आने वाले हैं, सब लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट। अब जाने भाई, अब क्या करने वाले हो? जाने तो सोएगा भाई। मैं तो थक गया, मैं तो सोऊंगा। डेडिकेशन के साथ पढ़ता है फिर सोता है, बढ़िया मस्त है। एक बार आप बाहर की तफरी मार के आते हैं फिर सोएंगे। बिल्कुल चल, बाहर की चाय पी के आते हैं। चाय तो चाय पी के जाते हैं एक बार। अरे बहुत ज्यादा यार, रेस्ट जरूरी है, रेस्ट बहुत जरूरी है बीच में। ट्रस्टेड हो गया है, कितना याद करे, कितना याद करे। चलो चाय वाय पी के मारते हैं। तो बंद कर दो, अपन ऐसे करते हैं उसको रख देते हैं। बढ़िया है, सारी बुक्स रखते हुए इसकी गैलरी। हमारे यहाँ अगर तुम देखोगे ना तो ये अपना बॉयज हॉस्टल है, सामने ग्राउंड है, और ये इधर ही हमारे गर्ल्स हॉस्टल है, मेरे हमारे सीनियर की बिल्डिंग है ये हॉस्टल की। सो हम लोग जा तो रहे थे चाय पीने, मेरे चाय से ज़्यादा अब हमें भूख लग रही है, तो हम सोच रहे चलो सैसी चले जाते हैं, थोड़ा बहुत वहाँ पर खा लेंगे। बिरयानी तो भाई मेरी है, बिरयानी तो मैं ही खाऊँगा, तू क्या खाएगा? और वेज बिरयानी और एक पिज्जा मंगा लो। पिज्जा पिज्जा बोलो भैया, कोई पिज्जा। तो ये विशाल हमारा सेसी है। तो लो भाई, आ चुकी हमारी वेज बिरयानी, और बिरयानी खत्म होने से पहले हमारा पिज्जा भी आ गया। सो अब बढ़िया पेल के खाएंगे और सो जाएंगे। सब निपटा दिया, मैं वापस हॉस्टल हॉस्टल छोड़ता हूँ, फिर मैं निकलता हूँ घर। और मतलब डेली का रूटीन है कुछ, जब भी लेक्चर रहता ना मेरा, डेली का रूटीन मेरा यही रहता है, लेक्चर आओ लेक्चर में पढ़ो, फिर कभी लाइब्रेरी में, आज के रूम आगे पढ़ते हैं लेकिन मोस्टली लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, फिर लाइब्रेरी में पढ़ना रहता है। तो आज किस्मत मेरी इतनी ज़्यादा ख़राब चल रही थी, जैसे ही मैं कॉलेज के बाहर निकला तुरंत मेरा दोस्त हमें मिल गया सिद्दीकी। और सिद्दीकी का एक्चुअली में ना उड़ीसा के थोड़े से बाहर एक फैक्ट्री है, जिसके अंदर पूरा सीमेंट का मटेरियल बनाते हैं ये ब्रिक्स वगैरह, इसका रेलवे में टेंडर है। तो ले गया मुझे कि भाई चल फैक्ट्री दिखाते हैं, और यहाँ पर इसका फार्म हाउस भी छोटा सा जहाँ में बढ़िया लगे अमरूद, और उसके अलावा इसने छोटे छोटे से यहाँ पप्पी भी पाल रखे हैं, और एक दानव भी है इसके पास, इसके पास जाना भी बेकार है, तुम देख पा रहे हो सामने। और मेरी जो सिटी है ना विदिशा, बहुत स्मॉल टाउन है बट बहुत सुंदर है, बिकॉज चारों तरफ से ना रिवर से घिरा हुआ है ये। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मेरे आया ऑफिस में, यहाँ पे मेरे पापा जी पूरा मॉडल का काम संभालते हैं, और ये मेरी छोटी सी बिल्ली। और तुम्हें पता है मैं ना मॉडल वगैरह सेल कर रहा हूँ, तो ये सारे इतने में ये जो दिख रहे ना पार्सल, सारे मेरे मॉड्यूल्स हैं, हमने इसको पैक करके रखा है। सो फाइनली मैं आ चुका अपने रूम में, और अप्रोक्स 10 बज रहे हैं, और ये मेरा सेकेंड वीडियो था, ए डे इन माई लाइफ, मेरी पूरी एक डे मेरी जिंदगी में। और मेनली देखो मैं बहुत कम ही दोस्तों के साथ बाहर जाता हूँ, तो आज मुझे मेरे दोस्त मिल गया था सिद्दीकी, तो उसकी फैक्ट्री साइड जाना हुआ। और बस अभी रात के टाइम मुझे थोड़ा सा ऑप्थेल और देखना है, अभी एक दो ऑप्थेल के लेक्चर वगैरह मैं देखूंगा, देन ऑप्थेल देखने के बाद फिर बस मॉर्निंग में। अब कल तो सैटरडे है, कल तो लेक्चर नहीं है, तो कल लेक्चर नहीं है ना, तो लेक्चर नहीं होता ना तो मैं भी तुम लोगों सबसे ये बोलूंगा, जिस दिन लेक्चर ना होना उसको और अच्छे से यूटिलाइज करो उस डे को, बिकॉज तुम और अच्छे से चीजें पढ़ सकते हो, या फिर तुम कुछ पर्सनल तुम्हारे काम होते हैं तुम वो निपटा सकते हो। तो छुट्टी वाला दिन बिल्कुल ना प्रोडक्टिव रखा करो, वेस्ट मत करा करो। और सब लोगों के प्री यूनिवर्सिटी आने वाले हैं, फिर यूनिवर्सिटी एग्जाम में आप सब लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट। एंड मेनली देखो मेन टाइम की लास्ट स्ट्रेटेजी यही होती है, रिविजन करो, और उसमें रैपिड रिविजन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मेनली आप रिविजन करते रहो, वीडियोज देखो, और बार बार जितना हो सके ना नोट्स पढ़ने की कोशिश करो, जितने अच्छा क्वालिटी के नोट्स होंगे उतना ज्यादा तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा।